अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप जो है वो CDC ड्राइवर्स और VCOM के ड्राइवर्स को किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। बेसिकली इसका मसला ये है कि यहाँ पे आपको जो डिवाइस मैनेजर है वहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती हार्डवेयर की कि जिसके ऊपर आप इन ड्राइवर को इंस्टॉल कर सकें। तो इंस्टॉल करने का प्रोसेस बहुत ही आसान है, लेकिन बताने से पहले फ्रेंड्स आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल की सपोर्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में बेल के आइकॉन को भी लगे प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बरवक मिल सके। साथ ही मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिएगा, बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स आपको एक ही चैनल के एक ही पेज के ऊपर डाउनलोड्स के साथ मिल जाएंगे। तो चले फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सारे आपके पास ड्राइवर के फोल्डर और फाइल्स यहाँ पे पड़ी हुई हैं। इसको इंस्टॉल कैसे करना है बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आपने जाना है डिवाइस मैनेजर में और डिवाइस जी मैनेजर में जाना है आपने एक्शंस में, और एक्शन में आप देख सकते हैं कि ये ऐड लेगेसी डिवाइसेस हैं। यहाँ पे आके आपने नेक्स्ट पे जाना है, नेक्स्ट में जाके आपने इंस्टॉल हार्डवेयर पे आना है, फिर नेक्स्ट पे जाना है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट पे आके तो हैव डिस्क पे आना है, और ब्राउज पे जाके आपने अपना फोल्डर सेलेक्ट करना है जो कि मेरा डेस्कटॉप के ऊपर पड़ा हुआ है। और डेस्कटॉप से मैं यहाँ पे आपका इंस्टॉल करूँगा एंड्रॉयड CDC ड्राइवर, और CDC ड्राइवर में आपने पहले जो है इंस्टॉल करना है एंड्रॉयड गैजेट्स को, या कोई भी आप जो अगला VCOM का ड्राइवर है उसके लिए। फ्रेंड्स आपको आपका पता होना चाहिए कि आपकी विंडो कौन सी है, और अगर विंडो 10 के ऊपर है जैसे कि मैं विंडो 10 के ऊपर हूँ तो यहाँ पे आपने विंडो 7 को सिलेक्ट करना है और अपना ऑपरेटिंग सिस्टम आपने सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं 64 बिट का, मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट का है, ऊपर वाली फाइल 32 बिट की है। तो इसको आप प्रेस करेंगे और ओके के बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये आ गया मीडिया टेक DAUSB VCOM पोर्ट, ठीक है। तो आपने नेक्स्ट पे प्रेस कर देना है, और नेक्स्ट पे प्रेस करके तो ये देखें ये ड्राइवर इंस्टॉल हो गए हैं VCOM के। अब दोबारा आपने जो है वो इंस्टॉल करना है ड्राइवर, और उसके लिए आपने जाना है लेगेसी एंड हार्डवेयर पे जाना है, नेक्स्ट पे जाना है और सेकंड वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, फिर नेक्स्ट पे जाना है और फिर नेक्स्ट पे जाना है, हैव डिस्क पे आना है, ब्राउज पे आना है, और यहाँ से जो है आपने अब जाना है बैक के ऊपर, ठीक है। तो ये CDC ड्राइवर में आ गए हम, और यहाँ पे आपने गैजेट CDC ड्राइवर इसको अब सिलेक्ट कर लेना है क्योंकि अब हम CDC के ड्राइवर इंस्टॉल करने लगे हैं। तो ओके को प्रेस करेंगे और यहाँ से जो है वो VCOM के हमने कर लिए हैं ड्राइवर। तो प्री लोडर जो है यहाँ पे आएगा, ये प्री लोडर को आपने सिलेक्ट करके तो यहाँ पे जो है वो नेक्स्ट कर देना है और फिनिश कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपके मोबाइल के अंदर या कंप्यूटर के अंदर ये ऑप्शन आती है कि आपके VCOM के या CDC के ड्राइवर जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो आप इस तरीके के साथ इसमें इंस्टॉल करके कंप्यूटर को रीबूट कीजिएगा, आपके ड्राइवर्स का मसला सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल की सपोर्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में बेल के आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बरकत मिल सके। साथ में मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए क्योंकि बहुत सारे टिप और ट्रिक्स आपको एक ही चैनल के एक ही पेज के ऊपर डाउनलोड्स के साथ मिल जाएंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।